हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे और जानेंगे क्या सही समय शेयर खरीदने का। दोस्तों, ये जानेंगे कि बार बार शेयर गिरता क्यों जा रहा है, क्या ये आगे चलकर मल्टी कैप बैगर बन सकता है, इस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इसमें हमें क्या क्यों लेना है आपको वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा। दोस्तों मैं इसमें आपको कुछ तस्वीरें बता रहा हूँ जिसको इसके लिए प्रोडक्ट्स है, डिफेंस के प्रोडक्ट है, इस पर आप नज़र मार लीजिए। दोस्तों देखो, डिफेंस के प्रोडक्ट के अलावा देखो वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड VVPAT भी ये बनाती है। इसमें देखो बस बताएंगे तो इसे कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये कंपनी है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है दोस्तों, और ये शुरू हुई थी 1954 में अंडर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट के अंडर में। और देखो, ये डिफेंस सेक्टर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना के देती है। और इसमें देखो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 55.27% इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेके रखा है, और ये नवरत्न PSU स्टेटस में ये हो गया था जून 2007 में। और दोस्तों, इसमें ये क्या क्या सप्लाई करती है, राडर, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर इक्विपमेंट ये इंडियन आर्म फोर्स को ये सप्लाई करती है। और दोस्तों, इसकी टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 2 रिसर्च यूनिट्स हैं। और इसमें देखो बेंगलोर और गाज़ियाबाद की जो ये दो यूनिट्स हैं ये उनकी मेजर ये यूनिट्स हैं। उसमें बेंगलोर यूनिट जो है वही सबसे मेन एकदम शेयर ऑफ प्रॉफिट और रिवेन्यू देने में ये सबसे बड़ा यूनिट है इसमें दोस्तों, बेंगलोर का यूनिट। और दोस्तों, इसके कंपनी के बारे में थोड़ा शेयर वैल्यूएशन देख लेते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो 14,546 करोड़ है, उसका बुक वैल्यू देखो 37-38 के आसपास चल रहा है दोस्तों। उसका बुक वैल्यू से देखो ये थोड़ा सा आगे है, डेढ़ गुना बुक वैल्यू पर देखो, प्राइस टू बुक वैल्यू देखो डेढ़ गुना के आसपास है। इंडस्ट्री पी देखो 9.67 है और इसका पी देखो 10.5 तक आ रहा है, मतलब इसके थोड़ा आसपास ही है। प्रमोटर्स होल्डिंग 51.14% है गवर्नमेंट का। करंट प्राइस देखो 950-960 के आसपास चल रहा है। स्टॉक पी एस एम 10.5 है और नीचे देखो डेट टू इक्विटी 0 है। इसमें देखो इसका डेट 0 है तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों, की डेट की 0 डेट की कंपनी ही कभी भी आपको सेलेक्ट करना चाहिए, अच्छा होता है। फिर PEG रेशियो देखेंगे तो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो 0.72 है, जो कि 1 से कम है, बहुत अच्छा है। प्लेज कुछ भी नहीं है, और 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं। 52 वीक हाई लो 120 तो गया था, लो 56 के आसपास गया था, उसके आसपास ये भी चल रहा है। डिविडेंड यील्ड देखो 5.7% है, मतलब देखो अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। सेल्स ग्रोथ देखो 18.27% है और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखो 64.61 है इसका, ये भी ठीक है। फिर अर्निंग पर शेयर देखो 5.64 रुपीज़ है और चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग 17.05, गवर्नमेंट ने इसमें इसी तरह कम की थी। दोस्तों, इसका क्वार्टरली रिजल्ट पे एक बार नज़र मार लेते हैं। देखो दिसंबर 18 को दिसंबर 19 से कंपेयर करेंगे। देखो दिसंबर 18 का सेल देखो 2739 करोड़ था, तो देखो ये कम हो गया दिसंबर 19 में, रिजल्ट में देखो कम हुआ सेल्स 2278 करोड़ हो गया। फिर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दिसंबर 18 का नेट प्रॉफिट देखो 516 करोड़ था और देखो दिसंबर 19 में देखो 223 करोड़ हो गया, एकदम 50% से भी ज़्यादा कम हो गया दोस्तों, एकदम बहुत बड़ी गिरावट हुई है। दिसंबर 19 का रिजल्ट बहुत ख़राब आया है इनका, उसके पहले भी दिसंबर 18 में भी देखो ये गिरावट हुई थी, उसमें भी देखो आप कंपेयर करके देख सकते हो, प्रॉफिट और सेल दोनों गिरावट हुई थी। जून का थोड़ा रिजल्ट ठीक था लेकिन ये दोनों क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब था। फिर दोस्तों, इसका शुरू से लेकर अभी तक का प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देख लेते हैं। देखो इसका सेल्स तो देखो मार्च 2008 से लेकर अभी तक देखेंगे तो 2019 तक बराबर टाइम टू टाइम बढ़ा हुआ है दोस्तों। मार्च 2008 का देखो 4000 के करोड़ के आसपास था, जो कि मार्च 2019 को 12000 करोड़ के, और हर साल बढ़ ही रहा है, कुछ किसी साल में कम नहीं हुआ। लेकिन मार्च 2020 में देखो गिरावट हुई है, 2000 करोड़ के आसपास देखो नीचे गिर गया, 10000-11000 करोड़ के तक आ गया है, तो ये थोड़ा माइनस पॉइंट है। और इसके बाद देखो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो, लेकिन नेट प्रॉफिट में भी बहुत बार देखो नीचे गिरा है। मार्च 2009 में देखो पिछले साल कंपेयर में गिरा हुआ है, 10 में भी पिछले साल के सबसे गिरा हुआ है, मार्च 2012 में भी पिछले साल के सबसे नेट प्रॉफिट गिरा हुआ है। फिर वो 4-5 साल कंटिन्यूस बढ़ते हुए गया, फिर मार्च 2018 को देखो फिर पिछले साल के सबसे गिर गया। मार्च 2019 को अच्छा खासा प्रॉफिट आया, लेकिन फिर मार्च 2020 में अभी जो देखेंगे उसमें भी गिरावट हुई, जैसे मैंने अभी करंट 2 क्वार्टर का भी बताया, तो इसमें ये मार्च 2020 में रिजल्ट फिर ख़राब हो गया उसका। दोस्तों, इसका एक साल का चार्ट देख लेते हैं। एक साल पहले देखो 87 रुपीज़ पर ये ट्रेड कर रहा था, अभी 60 रुपीज़ के आसपास ये आ गया है। दोस्तों, इसका शुरू से लेकर अभी तक का चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों, जब लास्ट पिछले मंदी में नहीं कि 2008 में जब मंदी चल रही थी तब भी देखो टॉप 63 रुपीज़ पर चल रहा था, लेकिन एक साल तक मंदी चलती रही तो एक साल में गिरते गिरते 17 रुपीज़ तक गिर गया था दोस्तों, गिरते गिरते। उसके बाद लेकिन मंदी ख़त्म होते ही देखो 17 से 66 चला गया, फिर थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ, उसके जैसे प्रॉफिट में हो रहा था वैसे
शेयर में के रेट में भी नजर आया, 41 गिरा, फिर 27 तक गिर गया, फिर उसके बाद देखो जो जंप लिया उसने 116 और 186 रुपीज़ तक देखो चला गया था दोस्तों। फिर उसके बाद लेकिन अभी देखो गिरावट हो रही है, 75 रुपीज़ तक गया था, फिर 119 तक फिर गया था, लेकिन अभी देखो ये कोरोना वायरस के टाइम समय से देखो अभी ये गिर कर देखो 60 रुपीज़ तक ये आ गया है। दोस्तों इसका दूसरे कंपनियों से कंपेयर करके देख लेते हैं। देखो इसका पीई देखो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का पीई देखो 10.59% है, जो कि बाकी के देखो कंपनियों से थोड़ा ठीक ही है। ये हनीवेल ऑटो का इसका देखो ये 50 तक आ रहा है, बहुत ज़्यादा है। और बाकी का देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसका ठीक ठाक ही है, अच्छा मिड साइज़ की कंपनी जैसे लग रही है। उसके बाद देखो डिविडेंड यील्ड देखो 5.7% सबसे ज़्यादा है, डिविडेंड यील्ड में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसका आरओसीई परसेंट भी देखो ये भी अच्छा खासा है, 30.49% भी बहुत अच्छा है। और पीईजी रेशियो भी अच्छा है 0.72। और इसका जो बुक वैल्यू से कंपेयर करके देखेंगे तो प्राइस को 1.57, ये भी देखो डेढ़ गुना के आसपास है, भी ठीक ठाक ही है। और डेट तो जीरो है, तो बहुत बड़ा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है इसका कि जीरो डेट कंपनी है, इसमें बिल्कुल डेट नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। और इसका इंडस्ट्री पीई से कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा मतलब इंडस्ट्री पीई के आसपास ही चल रहा है, 9.67 देखो इंडस्ट्री पीई इसके आसपास है चल रहा है, ठीक ठाक है। दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र मार लेते हैं, मार्च 2020 का देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसमें प्रमोटर्स ने देखो 51.14% लगा कर रखा है और पब्लिक ने देखो 48.86 लगा कर रखा है। 48.86 इसका क्या डिटेल है इसका देखते हैं दोस्तों हम। देखो 48% का डिटेल में देखो म्यूचुअल फंड की 138 स्कीम ने देखो पैसा लगा कर रखा है 25.11%, बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों ये। फिर HDFC वाले ने देखो 4.86 लगा कर रखा है, CPSE एक्सचेंज ट्रेडर्स ने 4.89% लगा कर रखा है, कोटक स्टैंडर्ड ने देखो 3.27% लगा रखा है, निराई एसेट ने 3.26% लगा कर रखा है, आदित्य बिरला सनलाइफ ने 2.26% लगा कर रखा है, भारत 22 ETF ने देखो 1.82% लगा कर रखा है, SBI ब्लू चिप फंड ने 1.45% लगा कर रखा है। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में 210 लोगों ने देखो बाप रे इसमें 10.71% लगा कर रखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक 9 लोगों ने इसमें देखो 0.37% लगा कर रखा है, इंश्योरेंस कंपनीज 43 इंश्योरेंस कंपनी ने 4.73% लगा कर रखा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अकेला LIC ने 2.36% लगा रखा है। और हम जैसे लोगों इंडिविजुअल ने देखो जिसका 2 लाख तक है कैपिटल उसका 5.72% लगा कर रखा है, और जिसका 2 लाख से ऊपर सिंगल आदमी ने लगाया वो 0.31% लगा कर रखा है। बोल देखा जाए तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, कि एक अच्छा खासा साइन बता रहा है अपने को। दोस्तों इसका NSE में क्या कारोबार चल रहा है देख लेते हैं। तो निफ्टी देखो ये 8 मई को देखो ये जब क्लोज हुआ था तब यहाँ पर देखो निफ्टी 0.57% बढ़कर बंद हुआ था, 52 पॉइंट ऊपर था, तो ये देखो 4.63% डाउन था, 2.90 रुपये से गिरकर 60 रुपये के आसपास देखो 59.75 रुपये पर क्लोज हुआ है। इसमें डिलीवरी कितनी हो रही है देखो, परसेंटेज ऑफ डिलीवर क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी देखो 51.27%, देखो नीचे मैंने रेड में किया है 51% के आसपास डिलीवरी, बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी हो रही है, मतलब लोगों को लग रहा है अभी बॉटम आउट होकर शायद इसमें डिलीवरी उठा रहे लोग। दोस्तों इसमें कुछ माइनस पॉइंट है ये आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो इसमें क्रेडिट एजेंसी ने कोई अपना माइनस पॉइंट बताया था दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था इसका पूरा डिफेंस सेक्टर से ही पूरा उनको ऑर्डर वगैरह मिल रहा है, डिफेंस प्रोडक्ट ही रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इसमें जैसा है कि ये जैसा उनको मेजर कस्टमर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, मतलब इंडिया का ही जो भी डिफेंस सेक्टर है उसी से उनको ऑर्डर मिलता है, तो उसके प्रोक्योरमेंट के हिसाब से उसके जितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको ऑर्डर मिलता है, तो उसके जैसे भी कम ज़्यादा होगा तो इनके डायरेक्टली इनके रेवेन्यू और इनके कैश फ्लो पर डायरेक्टली असर पड़ेगा, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों इसको, ये एक बड़ा मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें यह है कि देखो इसमें वर्किंग कैपिटल इनका एकदम तीव्रता से बढ़ता जा रहा है, वर्किंग कैपिटल में देखा जाए तो इसमें देखो लास्ट 2 साल से इनका वर्किंग कैपिटल बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसमें डेटर्स वाला जो पार्ट है जिसे कस्टमर से पैसा लेना है वो पार्ट भी बहुत बढ़ता जा रहा है। और इसमें जो अनबिल रिवेन्यूज़ है उसमें भी अनबिल रिवेन्यूज मतलब दोस्तों जिसमें हम जैसे कि कुछ प्रोडक्ट बनाते रहते हैं लेकिन उसका जब भी तक पूरा का पूरा काम नहीं होगा तभी तक हम बिल नहीं कर सकते हो, तो उसमें एक इतना पैसा लगता रहता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग भी खड़ा कर रहा है तो बिल्डिंग में पूरा का पूरा जैसे लग नहीं जाएगा, पूरा का पूरा सेल बिल बना के सबको बेचेंगे नहीं तब तक बिकेगा नहीं ना वो दोस्तों, ऐसा होता है। तो जैसे ये कोई प्रोडक्ट चीज़ कोई इस प्रोडक्ट भी होता है डिफेंस का, तो उसमें पूरा का पूरा जब तक बनेगा नहीं तब तक उसमें खुद का पैसा लगाना पड़ता है, तो उसमें इसके वजह से इनके कैश फ्लो में भी प्रॉब्लम आया था। जैसे कि इनके देखो ये बताया गया है कि उनका 30 सितंबर 2019 का देखो कैश फ्लो एकदम घटकर 251 करोड़ हो गया था, तो भी एक यहाँ पर एक उनका माइनस पॉइंट हो जाता है।
और दोस्तों मैंने जैसे कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में देखो ईयरली मैंने रीड किया तो देखो उनका सेल्स तो बढ़ता जा रहा है प्रॉपरली हर तरीके से, लेकिन देखो नीचे इसका जो बॉटम लाइन था जो प्रॉफिट है देखो वो हमेशा देखो कहीं ना कहीं गिरता हुआ जा रहा था। तो उसका देखो ये मेन क्या रीज़न था उसका, फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, जैसे कि वो कुछ डॉलर का रेट कम ज़्यादा हो जाना तो उसे वजह से उनके प्रॉफिट में डायरेक्टली इम्पैक्ट करता था, और उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी कुछ सेगमेंट में भी उनका ये डाउन होता जा रहा है, और कॉस्ट ओवरहेड भी बढ़ जाने के कारण भी उनका ये माइनस पॉइंट हो रहा था। तो ये जो माइनस पॉइंट था दोस्तों ये क्रेडिट एजेंसी के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो इसमें आप एक बार नज़र मार लीजिए। और दोस्तों ये शेयर के बारे में तो देखो अगर आपको सिर्फ कुछ आपके पास बहुत कम पैसा पड़ा है तो और आप उसमें लगाना चाहते हो तो क्योंकि डिफेंस प्रोडक्ट टाइप है, कोई ऐसा नहीं कि रेगुलर आइटम यूज़ होने वाला FMCG प्रोडक्ट कैसा है तो ऐसा नहीं है कंपनी को, लेकिन अगर सिर्फ सिंगल कंपनी आप लेना चाहते हो तो इसमें मत जाइए क्योंकि FMCG सेक्टर होता है जो कि डेली यूज़ होने वाला प्रोडक्ट उसमें आपको जाना चाहिए। तो इस तरफ से अगर देखा जाए तो इसमें प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट मैंने हर एक लेवल पर आपको बता दिए दोस्तों, तो इसमें जो भी आपको एक्शन लेना आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछकर ही अपना डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।